और दूसरी बात पुलिस केस हो भी गई मान लो, तो इस सारी चीजें आपके पास सेव रहती है कि ये बंदा गलत तरीके से आया था। ओके ये इम्पोर्टेंट है। अच्छी कंपनी भाई साहब को बताओ कौन सी है सबसे स्टैंडर्ड आपके पास, HD 4K वगैरह सब कुछ है? 4K नहीं है तो और डैश कैम लगाने के लिए ऑडियो वीडियो की केबल, यहाँ पर अक्स केबल की वो जो वायर आपको निकालनी होगी, कपलर टू कपलर स्विच होता है भाई, हमने फिलहाल जो है वो 10.6 इंचेस का जो है वो एंड्रॉइड एप्पल कार पे बैठा हुआ, काफी ये आफ्टर मार्केट होते हैं उनके जो है वो, ये बहुत अच्छे होते हैं यार। टच रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों कंपनी के थोड़े लैगी होते हैं, लेकिन वो प्रेस्टीज के नीचे वाला प्योर वगैरह वो 7,80,000 के अंडर मिल जाता है 1.5 लीटर इंजन डीजल, वो भी पेट्रोल है ना ये, और CNG की है? CNG नहीं थी उस समय। हेलो भाई मैं ओमकार, अब ये जो है वो हमेशा मैं गाड़ियाँ ज़्यादातर दिखाता रहता हूँ, यहाँ पे ये जो है वो शॉप में आ चुका हूँ मैं, एक्सेसरीज का फिलहाल है दुकान, यहाँ पे मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा श्री समर्थ गुप्ता उनका जो है दूसरा भी आता है, लेकिन ये जो फिलहाल जो है चमचमाती जो है वो मारुति सुजुकी अर्टिगा जो है उसके जो स्पेक्स नहीं बताऊंगा मैं आज, लेकिन एक जो ओनर है उसको अर्न करता है वो ओनर एक अलग सी चीज डाल रहे हैं इस गाड़ी में, वो कहते हैं यहाँ पे होता है वो इंस्टॉल, मैं दिखाता हूँ हर एक गाड़ी में यहाँ पे ज्यादातर के इंस्टॉल किया जाता है वो डैश कैम, यानी कि तीसरी आग भाई साहब है कि नहीं। फिलहाल ये जो है वो ओनर है XL 6B, इसकी प्लेटफॉर्म में आती है, कैप्टन सीट्स आती है उसमें, फिलहाल ये अर्टिगा। ओके कब ली थी भाई साहब ये अर्टिगा? 2019। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है आप? शिवराज चौहान। शिवराज चौहान जी बहुत अच्छा नाम है यार, शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है आपका नाम है। कब ये ली थी बोला आपने? 2019। अब बात बताओ अपने ऑडियंस को, आप जो क्या लगवाने वाले हो वो उसको बताओ पहले। मैं बैक कैमरा लगवाने आया हूँ। फ्रंट कैमरा नहीं? फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा लगवाने। आपको ज्यादा से ज्यादा सेफ फीलिंग नहीं होती बैक में क्या? हाँ, ज्यादातर के मैंने पहला ही बंदा देखा है जो बैक में लग रहा है, ज्यादातर के करते क्या अर्बन एरियाज में अर्बन सिटीज में फ्रंट पे ज्यादा डैश कैम लगाते हैं, यानी कि कोई भी अगर चीज आती है तो डायरेक्टली अगर कोई भी दारू पी करता है बंदा मान लो या फिर कुछ भी, वो कैप्चर होता है हमेशा से, आपकी फाइल बनती है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, क्या एक तो इंश्योरेंस कटेगा आपका फुल अगर आपकी कोई गलती ना हो तो, और दूसरी बात पुलिस केस हो भी गई मान लो, तो इस सारी चीज़ें आपके पास सेव रहती है कि ये बंदा गलत तरीके से आया था। ओके ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का क्या है कब आप पॉकेट में ऐसे डाल दो, लेकिन हाँ तो बैक में लगवाना चाहते हो इस गाड़ी बैक में? हाँ रिवर्स गाड़ी लेने का प्रॉब्लम आता है। अच्छा इसलिए वो बैक साइड में टच। अच्छा मतलब आप ऐसे थोड़े बिगिनर हो चलाने वाले, मतलब लर्नर टाइप हो? हाँ लर्नर। हाँ मतलब प्रॉपर आप वेल चलाने वाले तरीके से परफेक्ट नहीं? परफेक्ट है, अभी 5-6 बरस गाड़ी चला रहा हूँ तो परफेक्ट। हाँ थोड़ा मतलब आपको ऐसे आप कस्टमर हो कि आप चलाने वाले ड्राइवर हो कि थोड़ा रिवर्स लेने में झिझक हो रही है आपको, थोड़ा तकलीफ हो रही है ज्यादातर के ऐसे अर्बन एरियाज में या फिर कोई गाड़ी कंजेस्टेड टाइट स्पॉट्स में लगा दी तो खामखा लगनी नहीं चाहिए? हाँ पीछे जब रिवर्स लेता है ना तो कंजेस्टेड जगह होती है, इसलिए देखना पड़ता है ना गाड़ी को पार्किंग को लगाने के वक्त वो तो है भाई साहब। अब इम्पोर्टेंट रोल क्या है बता दो, यहाँ पे आता है आपका डैश कैम, जैसे कि आप भाई दिखा सकते हो कोई सा भी डैश कैम आप दिखा दो अपने ऑडियंस को, ये होता है डैश कैम, ये होती है उसकी वायर जो नॉर्मली आपको जो ऑडियो वीडियो केबल लगते ही लगते हैं, उसका ऑडियो अगर विजन चाहिए तो ऑडियो वीडियो विजन तो होगा ही होगा। अब उसका दो तरीके से आती है ना, जो फ्रंट का भी आता है और बैक का भी आता है अलग अलग, चाहे अगर मान लो ये जो है वो कस्टमर है आपके उसको बैक का चाहिए हो ओके तो बैक का मिल जाएगा, फ्रंट का नहीं मिल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि दोनों लेने पड़ते हैं एट अ टाइम सेम द टाइम। अच्छा अच्छी कंपनी भाई साहब को बताओ कौन सी है सबसे स्टैंडर्ड आपके पास, HD 4K वगैरह सब कुछ है? 4K नहीं है तो HD 1080p में करता है कि 720 720 पिक्सल? 720 ना, तो रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे, नाइट मेजर आता है परफेक्टली परफेक्टली आता है। तो एक बात बता रहे भाई साहब, जैसे कि आप डैश कैम लगवाओगे ओके बैक में तो फ्रंट में भी धीरे धीरे करके डाल दोगे कि डालने वाले हैं, लेकिन एक बात बता दो आपको बैक में तो ठीक है इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो आप कर रहे हो ना बहुत बंदों को मैं बोल दूँ फ्रंट में एक डैश कैम होना ही चाहिए गाड़ी को, होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लोग आजकल गाड़ियाँ चला रहे हैं भाई साहब बहुत, मतलब दारू तो छोड़ दो स्पीड एक ऐसा हो गया है ना, स्पीड हर किसी को स्पीड पसंद है, लेकिन एक गलती मिस्टेक हो सकती है इतनी भारी पड़ सकती है कि सामने वाला बंदा अगर कोई गलत तरीके से आ रहा हो तो एक नॉर्मल एक ह्यूमन बींग जो अपने फैमिली को लेकर चल रहा है वो भी भारी भरकम जो है वो डेंजर सिचुएशन में आ सकता है। उसी के लिए डैश कैम इज इम्पोर्टेंट कि वो उस मोमेंट को वो कैप्चर कर लेता है, और अगर वो मान लो डैश कैम भी टूट जाए तो मेमोरी कार्ड आपका रहता ही रहता है ना भाई, मेमोरी कार्ड तो रह ही जाएगा उसमें सेव रह जाएगा फिर। अब ये 1GB 2GB 3GB ऐसे जो है वो उसके जो है वो मेमोरी फंक्शंस आते हैं? हाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी कौन सी है आपकी?
कितना 16 GB, मतलब उसमें सेपरेटली सिम कार्ड स्लॉट आता है, मेमोरी कार्ड स्लॉट। अच्छा, अभी वो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर मतलब लगाने के बाद वो काम करना चालू। ओके, मेरे को बात बताओ तो हर दिन में करता रहेगा वो रिकॉर्डिंग? गाड़ी जब चालू हो जाएगी तब रिकॉर्डिंग उसका चालू। अब इतनी फाइल अगर वो सेव, वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक डिलीट भी मारता होगा? नहीं, नहीं मारता, उसमें सेटिंग्स वगैरह होती है। वो मोबाइल थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं सब कुछ कि वो उसमें वायर में पहली बार आपको समझा हुआ इस तरह से भाई साहब की जो है वो अर्टिगा। अब अर्टिगा में अगर आप या यहाँ पे अगर आप ये खोलते हो तो इस तरह से आपको जो है वो डैश कैम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, ये मैं बात बता दूँ। और डैश कैम लगाने के लिए ऑडियो वीडियो की केबल यहाँ पर, अक्स केबल की वो जो वायर आपको निकालनी होगी, कपलर टू कपलर स्विच होता है। भाई हमने फिलहाल जो है वो 10.6 इंचेस का जो है वो एंड्रॉयड और एप्पल कार पे बैठा हुआ, काफ़ी ये आफ्टर मार्केट होते हैं उनके जो है वो ये बहुत अच्छे होते हैं यार। टच रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों कंपनी के थोड़े लैगी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाले कंपनी के ही होती है। दूसरी बात है कि ये है अर्टिगा और इसमें आपको ये जो है कैप्टन सीट्स नहीं मिलती, तो सबसे बड़ा फायदा होता है भाई साहब जैसे कि आपने जो है वो अर्टिगा ले लिया है कि नहीं, तो अर्टिगा काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। ओके, तो पार्किंग के लिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती होगी जहाँ पे, इसलिए बैक इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से आप बिलिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हो। तो भाई साहब अपने ऑडियंस को जो है वो फाइनली बता दो कि क्या है इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट बैक कैमरा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सिटी में जाते हैं आप तो अपने को पार्किंग लगाने में एरिया बहुत कंजेस्टेड मिलता है, टाइट कंजेस्टेड पार्किंग एरिया, इसलिए बैक कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं तो गाड़ी डैश हो जाएगी, इसलिए मैं बैक कैमरा लेता। अभी एक बात मुझे इम्पोर्टेंट कहनी है आपसे, एक बात बोले यहाँ तो थोड़ा अर्टिगा के पास तो आना, अपनी अर्टिगा ली है भाई साहब। ऑन रोड कितने में पड़ी थी? 12 लाख तक। इसका अगर और एक वेरियंट आता है, मतलब इसी कंपेरिजन में इसका वेरियंट नहीं आता है, किया की जो आती है करेंस आती है, करेंस गाड़ी, उसके बारे में सोचा नहीं था कभी आपने? नहीं, ये अपनी मेड इन इंडिया है ना, उसका बेस वेरिएंट है ना वो प्रेस्टीज के नीचे वाला प्योर वगैरह। नहीं, मेरे को एर्टिगा बहुत पसंद है। वो 7,80,000 के अंडर मिल जाता है, 1.5 लीटर इंजन डीजल, वो भी ठीक है। फिर भी एर्टिगा में पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल और सीएनजी की है? सीएनजी नहीं थी उस समय, उस टाइम नहीं थी। अच्छा, तो अभी तो आप कर नहीं सकते? मैं कर सकता हूँ, कंपनी से कर सकते हो? हाँ, कंपनी नहीं हो सकती, अपन बाहर से कर सकते हैं। नहीं, बाहर से अभी तो क्या है, बैन लगवा दिया उस चीज को गवर्नमेंट ने, अब कंपनी थ्रू ऑप्शन आता है आपको। वो तो सारी चीजें बाहर, बिल्कुल बाहर गए। इम्पोर्टेंट एक बात करते हैं, डैश कैम आप पीछे लगवाना चाहते हो, पीछे का जरा स्पेस तो कहाँ पे आप लगवाना चाहते हैं एग्जैक्टली बता दो ऑडियंस को, जैसे कि भाई साहब की लंबी चौड़ी इतनी जो एमपीवी है, प्रॉपर एमपीवी आती है आपको यहाँ पे। ये तो आपका वो कैमरा हो गया ना, आपका 360 कैमरा। डैश कैम मतलब एक अलग सा एक कैमरा होता है जो इधर इंस्टॉल होता है, वो एक लगवाने की आपको जरूरत नहीं लगती? नहीं, नहीं लगी आपको? नहीं, ये तो कैमरा हो गया ना, आप ये इसमें ही रखा है, इसमें ही डैश कैम है। डैश कैम मतलब ऐसे कैसे, मतलब हमेशा चलता रहेगा? चलता रहेगा और रिकॉर्ड भी होता रहेगा। लेकिन ये मान लो ये जो विजन है वो मतलब ये ऊपर वाला भी दिखाता है इधर का कि ये सिर्फ इधर सिमिलर, इतना पूरा विजन दिखाता है, मतलब दोनों चीजें आपने एक साथ करके, कमाल है भाई, मतलब काफी बढ़िया डील हुई है आपकी। टोटल कितने में बैठ गया है सब कुछ? 7,000 तक बैठ गया। एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, 7,000 का माल है लेकिन लाखों का माल बचा देता है कि नहीं? तो भाई साहब की नीड देख लो। ये था कुछ अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो तीसरी आंख बोलते हैं जिसको, डैश कैम अंकल बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, सबको जो है वो लगवाना चाहिए। और एक्सेल जो है वो अर्टिगा, एक्सेल 6 आ रहा है मन में, अर्टिगा जो है वन करते हैं ये। भाई साहब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है अपने भी गाड़ी में जो है डैश कैम जरूर लगवाना, 6,500-7,000 तक पड़ जाता है, और जो है वो आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, बिठाने के बाद सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं यार, काफ़ी डेंजर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।